हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वारंटाइन ऑफ प्लांट्स। तो जैसे क्वारंटाइन का मतलब तो हम पिछले 2 सालों से बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि क्वारंटाइन होता क्या है ना। तो जिस तरीके से इंसानों का क्वारंटाइन होता है, उसी तरीके से हम प्लांट्स को भी क्वारंटाइन करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि क्वारंटाइन है क्या। जैसे कोविड के टाइम पे हम सबको पता है कि हम सब क्वारंटाइन हो रहे थे, ठीक है। मतलब क्या हो रहा था कि हम फॉरेन कंट्री से स्पेशली जो भी आ रहे थे या हम कहीं किसी दूसरी जगह पर जा रहे थे, तो उस समय हम क्या कर रहे थे, खुद को आइसोलेट कर रहे थे कुछ पर्टिकुलर समय तक। जैसे कि वैसे तो पहले स्टार्टिंग में 21 डेज तक था, पर उसके बाद जैसे जैसे केसेस कम आने लगे तो फिर भी कम से कम 1 हफ्ते तक हम अपने आप को आइसोलेट रख रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से ऐसा क्यों कर रहे थे हम, ताकि अगर किसी भी इंसान को कोई डिजीज़ है या कोविड के सिम्टम्स ऑलरेडी हैं, तो अगर वो खुद को आइसोलेट रखेगा तो उसे ये पता चलेगा कि मुझे वो डिजीज़ के लक्षण है या नहीं, ठीक है। और अगर है भी तो वो खुद को आइसोलेट रखेगा तो दूसरों को वो डिजीज़ स्प्रेड नहीं होगी कोविड की, है ना। यही कुछ हो रहा था कोविड के टाइम पर। तो सेम चीज़ हम प्लांट्स के केसेस में भी पढ़ते हैं। प्लांट्स में भी क्वारंटाइन इसी तरीके को कहते हैं, ठीक है। हम प्लांट्स में क्वारंटाइन क्यों करते हैं, ताकि प्लांट्स की जो डिजीज़, जैसे ह्यूमन में कोविड आगे ना फैले, उसी तरीके से प्लांट्स की कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो फॉरेन कंट्री से अपनी कंट्री में आ जाती हैं, तो वो डिजीज़ हमारी कंट्री में ना आए, हमारे एग्रीकल्चर को अफेक्ट ना करे, इसीलिए प्लांट्स को भी क्वारंटाइन किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या है कि इसमें जैसे लिखा हुआ है, प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ न्यू डिजीज़ इंसेक्ट वीड फ्रॉम अदर कंट्रीज़। मतलब यही है कि हम किसी दूसरी कंट्री, सपोज़ करो हम किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में एक नई वैरायटी ला रहे हैं, या किसी वैरायटी के सीड्स ला रहे हैं, या कोई भी इंसेक्ट आ जाता है उसके साथ, या फिर कोई भी वीड आ जाता है उसके साथ, तो वो सपोज़ करो हम USA से कुछ ला रहे हैं, ठीक है, और हम उस चीज़ को इंडिया में जब लाएंगे तो हो सकता है कि वो डिजीज़ ऑलरेडी, इंसेक्ट डिजीज़ या वीड कुछ भी इंडिया में प्रेजेंट ना हो, पर जब हम उस पर्टिकुलर वैरायटी को, सीड्स को, कुछ किसी चीज़ को भी USA से लाकर इंडिया में लगाएंगे, तो वो सीड्स के साथ साथ वो डिजीज़ भी इंडिया में आ जाएगी। हो सकता है कुछ सीड बॉर्न डिजीज़ हो, तो जब वो इंडिया में आएगी USA से, USA में तो उसने ऑलरेडी एग्रीकल्चर का सत्यानाश किया हुआ है, पर जैसे ही उसे हम इंडिया में भी लाकर ग्रो करेंगे तो वो इंडिया में भी आके एग्रीकल्चर का सब सत्यानाश कर देगी, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम प्लांट्स को भी क्वारंटाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्ट आई थी, या आप याद रख सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914। इसके अकॉर्डिंग भी यही कहा गया था कि हमें किसी भी एंट्री, किसी भी नई डिजीज़, इंसेक्ट या वीड की एंट्री को प्रिवेंट करना है, ताकि वो इंडिया में आके अपनी जो भी डिजीज़ को स्प्रेड ना कर सके और बाकी क्रॉप्स को हार्म ना कर सके, ठीक है। अब ये बात आती है कि कोविड के टाइम पे जब इंसान आइसोलेट हो रहे थे, क्वारंटाइन हो रहे थे, तो वो तो अपने घरों में हो रहे थे, तो अगर हम किसी प्लांट को किसी दूसरी कंट्री से लेकर आते हैं अपनी कंट्री में, तो प्लांट्स को तो हम घरों में आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लांट्स को आइसोलेट कहाँ पे करेंगे, तो ऐसे जो भी इंटरनेशनल सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर एक क्वारंटाइन ऑफिस होता है, जहाँ पर जो भी बाहर से कोई भी मटेरियल आता है, डिजीज़ प्लांट रिलेटेड मटेरियल, तो उसे उस ऑफिस में, क्वारंटाइन ऑफिस में रखा जाता है। वहाँ पे क्वारंटाइन ऑफिसर्स होते हैं जो इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं कि वो हमारा जो मटेरियल हम लेकर आए हैं वो डिजीज़ फ्री है, इंसेक्ट फ्री है और वीड फ्री है, ठीक है, ताकि इंडिया में वो चीज़ ना स्प्रेड हो सके। और उसके अगर वो मटेरियल इन सब चीज़ों से फ्री है, कि उसमें कोई भी डिजीज़ या फिर इंसेक्ट या वीड नहीं प्रेजेंट है, तो वो ऑफिसर्स उसे एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं उस मटेरियल को, ठीक है। मतलब कि क्या होगा कि हम वो मटेरियल इंडिया में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पहली है NPPGR, ये न्यू दिल्ली में है। तो ये मेनली फोकस करती है एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के क्वारंटाइन में, ठीक है। उसके बाद दूसरी है
FRI फॉरेस्ट्री प्रोपग्यूल्स, मतलब कि जो भी फॉरेस्ट्रीज के लिए जो प्लांटिंग मटेरियल होता है ये उनके साथ डील करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा BIS। BIS की फुल फॉर्म क्या है? बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये किस चीज़ के साथ डील करता है? प्रोपेग्यूल्स ऑफ रिमेनिंग प्लांट स्पीसीज, जैसे NPPGR हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर क्रॉप से डील कर रहा है, और FRI जो फॉरेस्ट्रीज के रिलेटेड काम कर रहा है, तो जो बाकी रिमेनिंग प्लांट स्पीसीज बचते हैं उनके लिए ये बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है, ठीक है। उसी तरीके से एक डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज है, ये फरीदाबाद हरियाणा में है। ये भी डील करती है फूड ग्रेन्स और अदर प्रोड्यूस इम्पोर्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मतलब कि कोई भी जो फूड ग्रेन्स है या कुछ भी अदर मटेरियल जो हम इम्पोर्ट करते हैं ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ये उन चीज़ों से डील करती है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो थी। इसमें मैंने क्वारंटाइन का मतलब आपको बताया है कि जैसे इंसानों में क्वारंटाइन होता है वैसे प्लांट्स में भी क्वारंटाइन होता है, ठीक है। वैसे तो हमें कोविड ने पिछले 2 सालों से कोविड ने हमें क्वारंटाइन का मतलब अच्छे से समझा दिया है, पर ऐसे प्लांट्स को भी क्वारंटाइन किया जाता है बहुत टाइम से। कोविड के इंसानों को तो अभी पिछले 2 सालों से क्वारंटाइन कर रहे हैं हम, पर प्लांट्स को बहुत टाइम से क्वारंटाइन करते हैं ताकि कोई न्यू डिजीज़ जो है हमारे एग्रीकल्चर को अफेक्ट ना कर सके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो। थैंक यू।